Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में रमती राम रोड पर उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक फर्नीचर के गोदाम में भयंकर आग लग गई। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने लगभग 3.5 घंटे में आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि यह आग लगभग 6:30 बजे लगी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए लगभग 18 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इंडियन एयरफोर्स दादरी और नोएडा मोदी नगर से भी आग बुझाने के लिए गाड़ियों को बुलाया गया था। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ का फर्नीचर जलकर राख हो गया है। लगभग 6:30 बजे की घटना है। सूचना मिली कि ये फर्नीचर का दुकान है, गोदाम है, उसमें आग लगी है। तत्काल यहाँ की तीनों गाड़ियाँ जो है घंटाघर कोतवाली से आई। आग की भयावहता को देखते हुए जो है फायर स्टेशन वैशाली, मोदी नगर और साहिबाबाद से भी गाड़ी मंगा ली गई और आग को जो है बुझाने की कोशिश की गई। आवश्यकता महसूस करते हुए हिंडन एयरपोर्ट से और नोएडा से और टाटा स्टील की भी गाड़ी मंगाई गई और आग को बुझा दिया गया है। जो मलबे के नीचे दबी हुई है उसको। सर, कितने मौके पर गाड़ियां आई होंगी और क्या कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा? काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बेसमेंट में इनका जो पोर्शन था बेसमेंट को बचा लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे था जो पूरी तरह जल गया, क्योंकि इसमें निकास और प्रवेश का एक ही मार्ग था और चारों तरफ से कवर था। आग का कारण क्या? आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जांच के बाद पता लगेगा।